देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज तक हर नेता के हर पार्टी के नेता से आपको रूबरू कराता आया है ग्रामीण न्यूज, और जगह जगह की क्षेत्र की परेशानियों को बताता आया है कि निगम पार्षद किस तरह से विधायक के ऊपर सारा इंजाम लगाते हैं और विधायक निगम पार्षद के ऊपर। यह आरोप और प्रति आरोप की राजनीति बहुत बरसों से हर गली में हर जगह पर चलती आ रही है, लेकिन आज इन सब बातों को हटाकर एक नया मुद्दा ग्रामीण न्यूज लेकर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की। सर, सबसे पहले मैं ग्रामीण न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि हम दिव्यांग साथियों का जो आपने आज अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पहले धन्यवाद करता हूँ और अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं बात करूँगा सबसे पहले कि गवर्नमेंट से क्या क्या योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। 2010 से राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का संचालन दिल्ली में चल रहा है और राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के माध्यम से आज तक केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ पेंशन जो भी 1,015 रुपये महीने है, वो भी 6-6 महीने के बाद मिलती है। और एक सरकार का मुद्दा है, जो सरकार ने अपना मुद्दे को एक उसे बोलते हैं ठेका दे रखा है। ट्राई साइकिल जो उपकरण संबंधित हम दिव्यांगों को जो मिलते हैं, वो एक एक दिव्यांग को 10-10 बार मिल जाते हैं। कारण क्या है, वो ठेका दे रखा है। जिस अगर एक दिव्यांग के नाम पे 10-10 ट्राई साइकिलें, 10-10 व्हीकल व्हील चेयर, ये सुविधाओं का उन लोगों को लाभ मिल रहा है, वो एक बिजनेस बना लिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी MCD NDMC कोई दिव्यांगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले 2009 से आज तक MCD में किसी दिव्यांग को कोई दुकान नहीं मिली, NDMC में कोई दुकान नहीं मिली। 12,000 फार्म राष्ट्रीय दिव्यांग सेना ने MCD, NDMC, PWD, JCD और DDA के डिपार्टमेंट में डाले। आज तक किसी डिपार्टमेंट के से कोई कॉल नहीं आई, कोई वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि जिस सारी सुविधाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो साम दाम दंड भेद चारों भेदों से सक्षम हो, उसी को सब सरकार का लाभ मिलता है। हम दिव्यांग साथी जो हैं आज इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, पूरे देश में संगठन का नाम है राष्ट्रीय दिव्यांग सेना, और ग्रामीण न्यूज़ ने बहुत सारे इंटरव्यू मेरे लिए हैं, काफ़ी जगह हम प्रोग्राम आए दिन करते रहते हैं। दिल्ली सरकार से लेके केंद्र सरकार तक बहुत सारे मिनिस्टरों ने दिव्यांगों को, जो मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग शब्द रखा और दिव्य शक्तिशाली व्यक्ति कहलाया अपने मधुर भाषा से, संसद पार्लियामेंट में हमारा 7-21% कोटा किया, 3-4% हमारा आरक्षण किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर लंगड़ा शब्द बोलकर, अपमानित शब्द बोलकर हमें अपमानित करते हैं, और कई विधायक, कई सांसद, और इस तरीके से आए दिन, और अब तो पिछले कुछ समय पहले IAS और IPS भी इस घटना में शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मोदी जी से, केंद्र के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज हम गौरवान्वित है, मोदी सरकार, BJP की सरकार नहीं, मोदी सरकार आई, मोदी सरकार की सबसे बड़ी अपेक्षा थी कि मोदी जी हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, बड़ी अभिलाषा थी। और अभिलाषा के साथ साथ आगरा में जब मोदी जी आ रहे थे, हम 2,500 से 3,000 दिव्यांग साथियों ने उनका रोड शो रोका था। कारण क्या था कि हम दिव्यांग साथी जो हैं, हमारे लिए आप क्या करेंगे। तो उस समय पर राष्ट्रीय चुनाव प्रचारक प्रभारी थे और उम्मीदवार उसके बाद में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। सर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो जगह जगह विदेशों में भारत को प्रमोट करने वाले मोदी जी तीसरे स्थान पर आए हैं, जो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। चाहे बात करूं मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, चाहे बात करूं मैं स्वच्छ भारत अभियान की, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने किया है और उनके विकास कार्यों में आता है। लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से ये बयान आता है कि मोदी जी सिर्फ विदेशी दौरे कर रहे हैं और निचले स्तर के लोगों में नहीं कुछ कर रहे, ना उनके साथ उठते बैठते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा मोदी जी की। मोदी जी हर मंच पे, हर 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, 2 अक्टूबर पे बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे, लेकिन ये कहाँ तक होते हैं ये तो मोदी जी खुद जानते हैं। मोदी जी ने सबसे पहले आह्वान किया था, हर एक सांसद को बोला था कि एक गांव गोद लीजिएगा, आप जितने भी सांसद देख लीजिएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा, क्योंकि अभी पिछले 3 महीना
पहले हमने पूरे यूपी का सर्वेक्षण किया था अपनी स्कूटी से, और हमारे अभी बिहार से सर्वेक्षण करके हमारे बीके सिंह अभी बिहार से सर्वेक्षण करके 15 दिन का आए हुए हैं। तो कहीं पर भी सिर्फ जो फाइलों में जितना भी योजनाएं हैं फाइलिंग संबंधित हैं, इस जो जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रेजेंट में, जैसे बात करते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत, सबसे बड़ी पहली मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना एक भी आम व्यक्ति अगर चाहे कि हम लोन ले लें, वो लोन नहीं ले सकता है। कारण क्या है, वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाए। ऐसी एग्जाम्पल अभी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उससे पहले कौशल विकास योजना की एक मिनिस्ट्री बनाई, हज़ारों करोड़ रुपए हम जैसे गरीबों का बर्बाद हुआ है। सेंटर खुलवाए फ्री ऑफ कॉस्ट के, हमारे हरदोई में सेंटर खुले थे, हमारे बिहार में उत्तराखंड में सेंटर खुले थे। ये स्किल कौशल विकास योजना तत्काल बंद कर दी, बिल्कुल कभी इंफॉर्मेशन ना दिए कारण। ये सरकार की बताइए कितनी बड़ी उपलब्धियों के साथ एक हम लोगों के साथ एक अविश्वास किया गया। मैं बात करता हूँ विधायक प्रवीण कुमार जी की। प्रवीण कुमार जी एक हमारे जंगपुरा से एक युवा विधायक हैं, और जब विधायक जब इनकी चुनाव का प्रक्रिया तय हुई थी, जिस समय पर हम बैलेंट्रो ने इन लोगों को नियुक्त किया था कि विधायक कौन बनेगा, तो 116 लोगों ने चुनिंदा किया था कि प्रवीण कुमार विधायक के उम्मीदवार बनेंगे। आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था इनको, उस समय मैं शामिल था। ठीक है, मैं भी एक्टिविटीज में पॉलिटिकल में नहीं, लेकिन समाज सेवा के रूप में मुझे हल्का फुल्का नॉलेज है। तो विधायक बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे वायदे किए, लेकिन आज सारे वायदे अमित शाह जैसे जुमले निकल गए हैं। सिर्फ उनकी भी जितनी योजनाएं हैं 70 उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया था सरकार के समय पर। आज प्रवीण जी यहाँ बोर्ड लगाते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा स्वच्छ, शौचालय 100+ शौचालय बनाए, एक जगह बोर्ड लगा देखा 500+ शौचालय बनाए। आज अभी आप जाइए मोहल्ला क्लिनिक, किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, 1-2% सक्सेसफुल हैं, बाकी दोनों मोहल्ला क्लिनिक और शौचालय सब फिलोफ हैं। मैं आदरणीय जी पत्रकार महोदय से इस बात का थोड़ा सा चैलेंज देता हूं, क्योंकि अभी आप विधायक जी के किसी होर्डिंग पर जाइए 8588333441 नंबर लगा होगा, हेल्पलाइन नंबर लगाइए, नंबर स्विच ऑफ मिलेगा। उसके बाद में 59 नंबर विधायक जी का नंबर स्विच ऑफ मिलेगा, और बोलते हैं बोर्ड लगा देते हैं कि कोई रिश्वत मांगता हो तो मुझे सूचना दें, भ्रष्टाचार संबंधित मुझे सूचना दें। जब आप बताइए इतना फ्रॉड खुद काम कर रहे हैं, जो नंबर नेम प्लेट लगा रखा है वो नंबर तक आपका स्विच ऑफ जा रहा है, तो विधायक जी आप प्लीज़, आप युवा हैं, हमारे लिए गर्व है, लेकिन हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस ना कराएं, कम से कम नेम प्लेट से नंबर तो ठीक करा लें। सर, थोड़े दिन पहले सराय काले खां पे आप लोगों ने बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया था कि प्रवीण कुमार चोर है, जिसको ग्रामीण न्यूज़ ने भी कवर किया था और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने कवर किया था। वो मैटर ये था कि रेडी पटरी वाले जो दुकानदार हैं उनकी रेडियां हटा दी थी सीलिंग के कारण, रेडियां तो हटाई थी एमसीडी ने, लेकिन फिर ये बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि विधायक का रोल कहाँ से बन गया। आप लोगों ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया, एक आरोप आता है राष्ट्रीय दिव्यांग सेना पे जो जनता लगा रही है कि ऐसी दिव्यांग सेना जो एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन ना कर सके और विधायक के कर रही है। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना हमारा कोई एक छोटा सा एनजीओ नहीं है, हमारी कोई दुकान नहीं खोल रखी है हम लोगों ने, ये अपने बल पे राष्ट्रीय दिव्यांग सेना जो है अपने बल पे दिव्यांग व्यक्ति मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपनी आवाज़ को अपनी ऊर्जा को समाज के सामने शेयर करते हैं। 70 विधानसभाएं दिल्ली में हैं, हर एक विधानसभा में राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के पदाधिकारी होंगे, वॉलंटियर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, और ख़ास तौर पे जंगपुरा विधानसभा हमारा जन्मस्थल भी है, हमने राजनीति की जो भी हमने सोशलिस्ट काम किया है वो जंगपुरा विधानसभा से किया है। तो विधायक जी एक प्रवीण कुमार पहला शख्स मैंने ऐसा देखा है जो हो सके, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने सख्त आदेश दिए हों या LG ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश दिए हों कि रेडी पटरी वालों के पास खुद जाकर आप उनको हटवाएं पुलिस प्रशासन के दबाव के द्वारा। ये हम तो नहीं जानते इस विषय को, हमारे रेडी पटरी वाले 450 रेडी पटरी सराय काले खां में लगती हैं, 450 रेडी पटरी में देखा है मैंने राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के 100 से ज़्यादा मेंबर हैं। साथ ही और हम बड़ी बात नहीं करता हूँ कि प्रवीण कुमार चोर का मैसेज किया था, जो नज़दीकी उनको वॉलंटियर हैं वो आए दिन रेडी पटरी वालों को तंग करते हैं, झगड़ा करते थे कुछ वर्षों पहले से भी चलता, 4 सालों चलता आ रहा है ये।
तो हम बराबर उसमें इन्वॉल्व थे, कई बार संघर्ष किया, हम लोगों ने एक संगठन बनाया इंद्रप्रस्थ रेडियो पटरी मंच, उसके माध्यम से 4 साल संगठन के माध्यम से चलाते चलाते आज तक रेडियो पटरी लगती हुई आई। लेकिन अब विधायक जी, मुख्यमंत्री जी और सीलिंग के दौर से भगवान जाने या विधायक जी जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन दुकानें सारी हट गई हैं, 450 लोग भीख की कगार पे हैं, इतना मुझे विश्वास है। सर ये तो बात हुई सराय कालेखां के प्रदर्शन की, कल पुलिस हेडक्वार्टर पे इतना बड़ा प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस हाय हाय, इतने बड़े नारे, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के द्वारा जिसमें आप मौजूद थे, लगभग हजारों विकलांग अलग अलग जगह से वहाँ पे मौजूद थे आप लोगों के सपोर्ट में, एक जो दिव्यांगों का रिक्शा होता है वो तक जला दिया, इतना गुस्सा सर दिल्ली पुलिस से, ऐसी क्या कर दिया दिल्ली पुलिस ने जो विकलांगों में इतना गुस्सा कि इतने बड़े बड़े नारे दिल्ली पुलिस हाय हाय, ये क्यों लग रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रपति जी को, पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी साहब ने आदेश दिए थे, मुख्य जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सरकारी जितनी बिल्डिंगें हैं, प्रशासनिक विभाग हैं, उनमें रैप बनाई होगी, व्हील चेयर की व्यवस्था होगी, और दिव्यांग व्यक्ति कोई भी विभाग में आएगा उसे एक एडवाइजिंग के लिए हर एक व्यक्ति के पास पावर होगा कि उसे शांतिपूर्वक जो भी समस्या आए उसकी समस्या सॉर्ट आउट करने के, ये हमारे राष्ट्रपति जी के आदेश थे। आज दिल्ली पुलिस के किसी थाने से जाके दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस डिपार्टमेंट के ITO पे एक व्हील चेयर तक नहीं है। सबसे बड़ी DCP ऑफिस, ACP ऑफिस, किसी कमिश्नर के ऑफिस में, किसी MCD डिपार्टमेंट में, कहीं भी कोई भी दिव्यांगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब अमूल्य पटनायक जी को हमने लिखित पूर्वक दिया है कि आदरणीय जी, आप रैप ना बना सकें लिफ्ट के द्वारा, लेकिन कम से कम 4 व्हील चेयर वहाँ एकत्रित खड़े कर दें। बाई चांस आपका कोई सीनियर सिटीजन, आपके जानने वाला, आपका रिलेशन वाला कोई आ जाए, या कोई आपका हैंडीकैप, अब तो हैंडीकैप तो वैसे भी 21% हो गए हैं, 21 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में हैंडीकैप हो चुके हैं, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों, आर्थिक हों, बौद्धिक हों, पारिवारिक हों, चाहे प्रशासनिक हों, कोई ना कोई आज की डेट में 80% लोग विकलांग हो गया है, ये तो सबको ही पता है, कहीं ना कहीं समस्याओं से हर इंसान जूझ रहा है, वो दिव्यांगी हो गया है। तो इसके लिए हम आग्रह किया, साथ ही पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है, पुलिस से हमारा कोई नेगेटिव हम लोग नहीं है। कारण ये है, पुलिस को जो सीनियर अधिकारी है, पिछले 24 अप्रैल को वेद प्रकाश SHO जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया, उसी कुछ दिनों के बाद मधु विहार SHO विक्रम सिंह ने, हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हम उससे असंतुष्ट रहे। कुछ दिन पहले इसे बोलते हैं ओखला से साउथ एक्स और कोटला मुबारकपुर SHO के पास रात के 1 बजे हमारा बंदा फंस गया था, मैं गया था लीगल अथॉरिटी के अंदर, हमारी गाड़ी को अंदर ना पहुंचते हुए अपमानित शब्दों का प्रयोग किया स्वयं SHO ने। तो मैं देखता हूं आए दिन समस्याएं हमारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से हैं, तो मैं सीनियर अधिकारियों को, गृह मिनिस्टर को और अपने राजीव गाभा जी को, गृह सचिव को मैं अपील करता हूं कि प्लीज़ अपने स्टाफ में ब्रीफिंग करिएगा, और हम दिव्यांगों को जो अपमान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करें, क्योंकि हमारी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। MCD के ऊपर आपने एक आरोप लगाया है, MCD के एक अधिकारी तोमर नाम का व्यक्ति है जिसने एक दिव्यांग महिला के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़ताने की कोशिश की है, क्या हुआ था, वो महिला क्या मांग रही थी ऐसा अपना हक, जो MCD के अधिकारी के ऊपर आप इतना घिनौना आरोप लगा रही हो? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा कोई MCD से बैर है, लेकिन जो भी हुआ है सच्चाई के साथ हुआ है और मैं सच्चाई के साथ हूँ। जितना बड़ा प्रोग्राम कल किया गया ITO पर, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि MCD के सीनियर अधिकारी है ना, OSD साहब ने, तोमर जी ने, जो महिला के साथ बदतमीजी से जिस तरीके से अश्लील व्यवहार करने का कोशिश किया, वो महिला भड़क गई, और भड़कने के बाद में, और मेरी वॉलेंटियर भी है, जब मुझे पता लगा, हमारे स्टाफ को पता लगा, तो हम लोग बिल्कुल पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि आपसे अनुरोध है मेरा कि इस महिला की आप शिकायत दर्ज करिएगा, FIR इंक्वायरी करने के बाद हम करेंगे, कोई नहीं। लेकिन पुलिस चौकी आनंद विहार 24 घंटे तक गिड़गिड़ाई, उस महिला की शिकायत तक दर्ज नहीं की। उसी के साथ हम लोग थोड़ा सा तामसाई प्रवृत्तियों में आए, हमने के पुलिस का बड़ा लंबा MCD के साथ एक जुड़ा मिलाप, एक षड्यंत्र है, तो कहीं ना कहीं इसको फ्लॉप करने की साजिश रचन सकते हैं हम भी, हमारा भी अधिकार है, मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ। तो हम लोगों ने कल प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के साथ में हम लोगों ने एक अपना
सरकार का दिया हुआ प्रोत्साहन पर आग लगाई, हमने भी उसका बहिष्कार किया। सरकार से मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ और सरकार जो मुझे देती है वो बंद कर दे, लेकिन सम्मान नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं रोजगार चाहिए, सम्मान नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं रोजगार चाहिए। हमारी इसके लिए लड़ाई है, हमारी मीठी मीठी बातों की लड़ाई नहीं है कि आप आएँ और आप मीठी मीठी बातें करें और हम निकल जाएं। सर, अब पूरी राष्ट्रीय दिव्यांग सेना भारत सरकार से क्या मांग कर रही है? और आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और MCD मिली हुई है, इन दो बातों का एंड करूंगा मैं। ये तो देखो चोरी दामन का साथ होता है MCD और दिल्ली पुलिस का, ये सच्चाई है, आज से नहीं पिछली सरकारों से भी चलता आ रहा है। MCD अब बगैर पुलिस के कुछ नहीं कर सकती है और पुलिस के माध्यम से MCD का सपोर्ट है, MCD के माध्यम से पुलिस का सपोर्ट है। और श्रीमान जी, मैं अपने दर्शकों से और बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से स्टेट सरकार से हमारी एक ही मांग है, जितने भी हिंदुस्तान में हमारे दिव्यांगजनों के हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्थान के लिए जितने NGO हैं सब ब्लैक लिस्ट डाल दिए जाएं, परंतु 10,000, 12,000, 15,000 हमारी हर एक दिव्यांग का पेंशन लागू कर दी जाए, वो भी प्रत्येक महीने पे टाइम टू टाइम पेंशन मिले। आज जो 1,000-1,500 रुपये जो पेंशन मिल रही है वो 6-6 महीने 8-8 महीने लेट हो जाती है किसी IPS अफसर की, किसी विधायक सांसद की, किसी सरकारी गजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, 6-6 महीने का पेंशन लेट होती है। आज दिव्यांग की सिर्फ पेंशन, विधवा की पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन, ये आज 6-6, 8-8 महीने लेट हो रही है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, LG, MCD, NDMC सबसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल के माध्यम, ग्रामीण न्यूज़ के माध्यम से ये मैसेज जाए और वो हमारे मैसेज को विशेष रूप से सीरियस में लें, जिससे कि हम दिव्यांग साथी जो आज गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, भीख मांगने कगार पे हैं, इससे मुक्ति मिले। धन्यवाद। सुन सकते हैं आप लोग कि महासचिव जो राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के हैं, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कारण दिव्यांग सेना को कितनी प्रॉब्लम्स और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रेड़ी पटरी में हो, इनके रोजगार में हो, इनकी रोजी रोटी में हो, या सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि पेंशन जो इनको मिलती है वो भी 1,000 या 1,500 रुपये महीना, वो भी 6-6 महीने लेट आ रही है। अब एक बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों से ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक दिव्यांग सेना की 1,500 रुपये महीना पेंशन जो आती है वो भी 6-6 महीने लेट, तो क्या ये दिव्यांग सेना के जो लोग हैं ये अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? दूसरी बात, MCD के एक अधिकारी एक महिला के साथ बदतमीजी करते हैं तो उस MCD के अधिकारी के ऊपर केस और कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आज इस कदार पे पहुंच गया है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, बजाय गरीब की दुकान हटाने से और गरीबों के मकान तोड़ने से क्या MCD का पेट भर पाएगा? अब होता क्या है, वो अधिकारी कब तक सस्पेंड होता है या उस पर कब तक एक्शन लिया जाता है, इस बात की पूरी कवरेज ग्रामीण न्यूज़ के द्वारा जरूर दिखाई जाएगी। आगे की और तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हनी सहगल, कैमरामैन पिंटू प्रजापति के साथ, ग्रामीण न्यूज़ दिल्ली। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।